स्वामी जी, कर्म बड़ा बलवान होता है, तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान। समय कर्म एक ही बात होती है, कर्म का बोल वाला है। लोग कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, एज यू विल सो सो विल यू रीप। जो आपने किया है वही आपको मिला, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और जो है रंगमंच यह जगत है, और कर्म खिलावन हार नाना रूप बनाए के, और चेतन खेलन हार। कर्म को भारतीय संस्कृति में एज ए होल बड़ी प्रधानता दी गई है, दो रूप में है, कार्य करने के रूप में भी है और भुगतान के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में भी है और भुगतान के रूप में भी, यानी इसकी सर्वाधिक प्रधानता है। तो हम जैन धर्म की दृष्टि से अध्यात्म विज्ञान को जोड़कर से आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप कहते हो ज्ञान दर्शन प्रमुख चीज है मुक्ति में जाने के लिए, तो जो हमारे कर्म घाती कर्म अघाती कर्म दो तरह के कहे जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से ये मोक्ष मार्ग में अवरोधक है, और हमारे व्यवहार जगत में भी किस तरीके से पुण्य और पाप के रूप के अंदर हमारे सहयोगी होते हैं, कृपया पूरा खोल करके इसका विवरण दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से नमस्कार। आध्यात्मिक जगत में और जैन परिभाषा के मुताबिक मुख्यतः छह प्रकार के कैटेगरी के कर्म है, माफ करना, आठ प्रकार की कैटेगरी के कर्म है। और आठों प्रकार की कैटेगरी के कर्म का मूल है अज्ञान। अज्ञान से जो आठ प्रकार के कर्म बनते हैं उसमें दो कैटेगरी है, एक घाती कर्म और दूसरा अघाती कर्म। ये दो नाम क्यों रखे गए, सबसे पहले ये जानो, घाती अघाती दो नाम क्यों रखे गए? कर्म तो कर्म है। तो घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करने वाले मान्यता, वो घाती कर्म है। और वो घाती कर्म वो अज्ञानता का फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन से अघाती कर्म बनते हैं, क्योंकि घाती कर्म वो भुगतान नहीं है डायरेक्टली। घाती कर्म से जो अघाती उत्पन्न होते हैं उससे भुगतान है। तो घाती कर्म का मूल अर्थ है कि आत्मा होते हुए भी आत्मा को न मानना, आत्मा के अलावा ब्रह्मांड कुदरत का, ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सभी अवस्था कुदरत की होते हुए भी उसको न मानना। तो आत्मा होते हुए आत्मा को न मानना वो ज्ञान आवरण कर्म है। पूरा ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की सभी अवस्था कुदरत की होते हुए भी कुदरत की न मानना ये दर्शन आवरण कर्म है। तीसरा है मोहनीय कर्म, आत्मा में अनंत सुख ये उनका स्वभाव होते हुए भी इंद्रिय सुखों के पीछे सुख मान के प्राप्त करने के लिए दौड़ना, ये मोहनीय कर्म है। और ये तीन कर्म ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण और मोहनीय कर्म के कारण आत्मा और आत्मा की अनंत शक्ति और आत्मा का अस्तित्व होते हुए भी हम इसको न जान सकते हैं, न मान सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, होते हुए भी।
इसको कहते हैं अंतराय कर्म। होते हुए भी नहीं दिखता है, शक्ति होते हुए भी अनुभव नहीं करते हैं, आत्मा शाश्वत होते हुए भी हम शाश्वत अवस्था का अनुभव नहीं कर सकते, इसको कहते हैं अंतराय कर्म। तो ये चार घाती कर्म जो है, इसमें जो पहले तीन घाती कर्म है, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनिया, इसका एक नाम है अज्ञान, और वो अज्ञान से आत्मा की अनुभूति का अंतराय है। अंतराय कोई सेपरेट कर्म नहीं, ये तीन है वही तो अंतराय है, मगर ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म से जो अज्ञान रूपी तीन है, इससे नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य कर्म बनते हैं, जिससे जन्म मरण होता है, तो उसको अघाती बोलते हैं, यानी आत्मा की अनंत शक्तियों को घात नहीं करता है, ये भुगतान के कर्म है, और ये केवल ज्ञान के बाद भी होता है, और इसीलिए उसको घाती बोलते नहीं है, ये सफरिंग के कर्म है। क्या है? सफरिंग। हाँ, यानी केवल ज्ञान हुआ तो भी सफरिंग तो रहेगा, इससे आत्मा से डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, मगर बीज डाला है तो फल की भुगतान करनी पड़ेगी, और भुगतान करने में सेंटर में रहेगा शरीर और आत्मा की रहेगी हाजिरी, रोल नहीं रहेगा मगर प्रेजेंस रहेगा एज अ कैटलिस्ट। तो सबसे पहला है नाम कर्म, ये नाम और नाम की माया से ही मान और अपमान है, नाम से ही स्टेटस है, नाम से ही मालिकी है, नाम से ही कर्ता और भोक्ता है, नाम से ही जन्म, जीवन और मृत्यु है, ये सब नाम और नाम की माया है। तो नाम कर्म से ये अवस्थाएं प्रकट होती है। दूसरा है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म है वो व्यक्ति की पवित्रता और डेवलपमेंट का सूचक है। कहीं सारे लोग बोलते हैं कि भारतवर्ष में ही गोत्र होते हैं और कोई विदेशों में गोत्र क्यों नहीं है, अगर गोत्र उसी को इंडिकेट करता है तो वहां गोत्र क्यों नहीं है। तो मैंने कहा वो लोग अभी इतना डेवलप नहीं हुए हैं कि मैं आत्मा हूं वो भी नहीं मानते, पुनर्जन्म वो भी नहीं मानते, कर्म के सिद्धांत को भी नहीं मानते, और सनातन सुख और मुक्ति को भी वो नहीं मानते। यानी आध्यात्मिक जगत में जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है वो भी उनके पास नहीं है, इसीलिए आध्यात्मिक जगत में जो हमारा विकास होता है, और विकास के आधार से दो प्रकार होता है, एक पवित्रता और आध्यात्म की डेप्थ जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, इसी प्रकार से गोत्र प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि हाई गोत्र वाला गलत काम नहीं करता है और लो गोत्र वाला अच्छा काम नहीं करता है, ऐसा फंडामेंटल नहीं है, मगर ये लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड लेवल ऑफ योर पायसनेस के आधार से गोत्र मिलता है।
अगर मेरे में पवित्रता नहीं है और मेरा आध्यात्मिक डेवलपमेंट नहीं है तो मेरा गोत्र लो रहेगा। कैसे? जैसे भौतिक में डूबी हुए वेस्टर्न कंट्री के लोग भी आत्मा को, कर्म को, पुनर्जन्म को, मोक्ष नहीं मानते, ऐसे लोग गोत्र वाले भी नहीं मानते हैं, तो इसीलिए उसको भारतवर्ष में लोग गोत्र कहा। लोग गोत्र कोई टिका नहीं है, ये उनकी लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड प्योरिटी है, पवित्रता है, तो उससे गोत्र बनता है। तो मेरे कर्म के अंदर अगर मेरा डेवलपमेंट नहीं है या मेरे में पवित्रता नहीं है तो मेरा गोत्र नेक्स्ट बर्थ में लो बनेगा। और मेरे में पवित्रता ज्यादा आ गई, बढ़ गई, डेवलपमेंट बढ़ गया तो मेरा गोत्र हाई आएगा। तो ये गोत्र कर्म इसी प्रकार से बनते हैं और इसी प्रकार से उसकी भुगतान होती है। फिर तीसरा हुआ आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म का मतलब आपको जितने भी कर्मों की भुगतान करनी है और वो कर्मों की लेंथ जितनी भी है तो टोटल कर्मों की लेंथ इज इक्वल टू योर आयुष्य कर्म। तो आयुष्य कर्म कर्म की भुगतान के लेंथ के ऊपर आधारित है। और चौथा है वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म का मतलब होता है भुगतान करना, जिसको हम साचा असाचा भी बोल सकते हैं, सुख दुख भी बोल सकते हैं, या तो फायदा नुकसान भी बोल सकते हैं, मगर वो भगवान ने उसको वेदनीय कर्म क्यों बताया? हमारे व्यवहार जीवन में वेदना का मतलब होता है दुख, तो भगवान ने सभी कर्म को, सुख दुख दोनों को वेदनीय क्यों बताया? तो वेदनीय कर्म इसीलिए बताया क्योंकि आत्मा सुख दुख की वेदना से निर्वेदक है। तो आत्मा की दृष्टि से ये सुख और दुख दोनों वेदना है। वेदना का मतलब होता है टू सफरिंग, टू भुगतान, सुख की भी भुगतान करना, दुख की भी भुगतान करना, क्योंकि ये दोनों की भुगतान मेरे आत्मा की अनुभूति में अंतराय लाती है। जो निर्वेदक है ये वेदना है, सुख दुख वो वेदना है, सुख दुख वो आत्मा की क्वालिटी नहीं। आत्मा निर्वेदक है यानी विनाशी अवस्थाओं को वेदने वाला आत्मा नहीं है। विनाशी अवस्थाओं को प्रकाशित करेगा, वेदेगा नहीं। तो वेदनीय कर्म एक प्रकार का बंधन है। जैसे मैंने मोक्ष गति का बीज डाल दिया, नेक्स्ट मनुष्य भूमि में मोक्ष में ही जाऊंगा, मगर उसके पहले, अज्ञान मिटाने से पहले, मैंने अगर देव गति का कर्म बांध लिया है तो मैं नेक्स्ट मनुष्य भाव में तो मोक्ष में जाऊंगा ही, मगर इसके पहले मैंने 10,00,000 साल के देवलोक के पुण्य का कर्म बांधा है तो मेरे को देवलोक में जाना पड़ेगा और 10,00,000 वर्ष की भुगतान करनी पड़ेगी। मोक्ष में जाना है फिर भी, इसीलिए उसको वेदना बताया। क्या बताया? वेदना। हालांकि उससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। तो आत्मा की दृष्टिकोण से वेदना है,
क्योंकि आत्मा खुद विनाशी अवस्थाओं के लिए निर्वेदक है। तो इसीलिए चार घाती कर्म जो आत्मा की अनंत शक्ति आपको घात करता है, होते हुए भी अनुभव में नहीं आने देता है, और अघाती कर्म जो घाती कर्म से कर्म के रूप में खड़े होते हैं, जो हमको मन वचन काया से भुगतान करना है। इसीलिए ये जो घाती कर्म है वो घाती कर्म आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, मगर अघाती कर्म आत्मा की अनंत शक्तियों को घात नहीं करता है। क्योंकि जो अघाती कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, ये तो केवल ज्ञान के बाद भी होता है, तो आत्मा से उसे कोई मतलब नहीं है, मगर सफरिंग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में घाती कर्म की कोई वैल्यू नहीं है, और इसीलिए आध्यात्मिक जगत में हम मन वचन काया की क्रिया की वैल्यू नहीं करते हैं, इसको कुदरती रचना बना देते हैं, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, चाहे पुण्य का कार्य करे चाहे पाप का कार्य करे, आध्यात्मिक जगत में उसकी वैल्यू जीरो है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में घाती कर्म नहीं होने चाहिए, यानी मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, वो कोई भी संजोग में उनकी जागृति हटना नहीं चाहिए, नंबर वन। और नंबर टू, मेरे यानी शुद्धात्मा के अलावा जो भी मन वचन काया इसकी अवस्था और पांच इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि कुदरती रचना ही है, ऐसा दर्शन मेरे को होना चाहिए। फिर अवस्था क्या है क्या नहीं, उसमें डिटेलिंग की जरूरत नहीं है आध्यात्मिक जगत में। और सुख तो मेरा स्वभाव है, इसीलिए सुख पाना, सुख के लिए प्रयास करना और भौतिक सुखों की अनुभूति करना, वो तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं खुद ही अनंत सुख वाला हूं। और आयुष्य कर्म तो शरीर को लागू होता है, आत्मा को लागू नहीं होता है। इसीलिए घाती कर्मों को नाश करना ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, और अघाती कर्मों को बदलना ये सामाजिक और धार्मिक पुरुषार्थ है। मैं पापी हूं तो पाप न करूं, मैं पुण्यशाली हूं तो और ज्यादा पुण्य करूं, मेरी बिहेवियर, मेरी स्पीच, मेरा थॉट, मेरा एक्शन दूसरों के लिए हानि करता है तो अच्छा करूं, ये सब सामाजिक और धार्मिक सत्य है, वो सनातन सत्य, या तो घाती कर्म से उससे कोई मतलब नहीं। तो आध्यात्मिक जगत में ये सब बातें समझनी पड़ेगी, ये सब बातें शास्त्रों में लिखी गई है, ये कोई नई बात नहीं है, मगर शास्त्रों में लिखी गई बातों का जो प्रेजेंटेशन है वो वर्तमान अनुभवी पुरुष जब बताएंगे तब मालूम होगा कि उसका वास्तव में मीनिंग क्या है। ये शब्द और शब्दों का अर्थ नहीं है, ये मीनिंग है, क्यों घाती कर्म की वैल्यू है, क्यों अघाती कर्म की वैल्यू नहीं है, दोनों कर्म है, तो इसीलिए दोनों की वैल्यू अलग अलग है। और आध्यात्मिक जगत में अगर घाती कर्म का क्षय हो गया, फिर अघाती कर्म कितने भी है, कितने प्रकार के है, कितने पावरफुल है, कोई वैल्यू नहीं है। तो इसीलिए अगर आपने केवल ज्ञान का बीज डालने के पहले अगर आपने नरगति का बीज डाला और साथ में नरक में गए, तो भी आध्यात्मिक जगत में कोई वैल्यू नहीं है, बड़े नरगति में गए, भुगतान करनी पड़ेगी, मगर केवल ज्ञान का बीज डाला है, नेक्स्ट मनुष्य भाव में नरगति में से मनुष्य में जाऊंगा, उसी भाव में से मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए खास ध्यान में रखो, आध्यात्मिक जगत में जब आपको बताया गया कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसका मतलब है आपको कुदरती रचना देखने तक ही
आपकी दृष्टि सीमित रखनी है, इससे आगे दृष्टि ले जाने की जरूरत नहीं है अगर आपको आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो। तो ऐसे हम आगे भी ऐसी बात करते रहेंगे, मगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि घाती कर्म और अघाती कर्म जो है वो खास ध्यान में रखना। घाती कर्म की ही वैल्यू आध्यात्मिक जगत में है और अघाती की वैल्यू सामाजिक और धार्मिक जगत में है। इसीलिए अगर आपको आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो सामाजिक और धार्मिक जो वैल्यूज है इसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुदरती रचना है। और अज्ञान जो मूल मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय के रूप में है, इसको मिटाना है, वो खास ध्यान में रखना है, ताकि आपको मालूम हुए कि पुरुषार्थ मेरे को कौन सी जगह पे करना है। नहीं तो क्या होता है, कई अवतारों से, किताबों के माध्यम से या धर्म गुरुओं के माध्यम से प्रकृति को सुधारने की ही बात करते हैं, भाव को सुधारने की ही बात करते हैं, दृष्टि को परिवर्तित करने की बात नहीं करते हैं। और इसीलिए हम सब फंसे हुए थे इस कलयुग के अंदर, क्योंकि कलयुग के अंदर ज्यादातर अनुभवी पुरुष मिलना संभव नहीं होता है, अपवाद रूप होता है, वो बहुत संख्या में नहीं होते, अपवाद रूप होते हैं, और उनकी वाणी अनुभव सिद्ध होती है, वो खुद की बात नहीं करते हैं, वो सनातन सत्य को प्रहन करते हैं अनुभव करके, और वो सनातन सत्य ही आपको मुक्ति के मार्ग में आगे ले जाने के लिए सहायक बनता है। तो आइए हम सब आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से घाती और अघाती कर्म की बात जिस प्रकार से हमने जानी है वो हमारे जीवन में समझने की, इसका उपयोग करने की और अनुभव करने की कोशिश करें, और हमारा जीवन धर्ममय, मंगलमय और मुक्ति की ओर आगे ले जाने वाले बने। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कर्मों को दो भागों में बांटा, घाती कर्म और अघाती कर्म, और उनके चार चार विभाग किए। घाती कर्म जो आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं, आत्मा की जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम की जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को बाधित करते हैं, कवर करते हैं, उनको ढकते हैं, उन पर आवरण लाते हैं। ज्ञानवर्णीय ज्ञान पर आवरण लाता है, दर्शनावर्णीय दर्शन पर आवरण लाता है, और मोहनीय कर्म जो है वो शाश्वत सुख के ऊपर आवरण लाता है। और तीनों जब मौजूद होते हैं तो अज्ञान कहलाता है, वो अज्ञान का रहना अंतराय कहलाता है। जब अज्ञान टूट जाता है, केवल दर्शन होता है, तो अंतराय टूट जाती है। स्वामी जी बहुत अच्छी बात कही, तो इसको मेन प्रोडक्ट कहा जा सकता है। जो हमारे घाती कर्म है वो मेन प्रोडक्ट है, और मेन प्रोडक्ट से जो है बाई प्रोडक्ट बनता है वो अघाती कर्म है। जो शरीर पर काम करते हैं वो होता है वेदनी आयुष्य नाम गोत्र अंतराय, वो पुण्य पाप से जुड़े हुए हैं। तो आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया स्वामी जी, आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। साधु भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।